नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्विक आंसर पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 1 से 9 मंथ के बीच में कैसे एक बच्चा अपनी माँ के कोख में पलता है। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एक माँ के भ्रूण में बच्चा बनता है और माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चे का विकास किन किन स्टेप में होता है। दोस्तों किसी भी माँ के लिए बच्चे को जन्म देना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी माना जाता है। एक माँ हर समय यह जानने को उत्सुक रहती है कि उसका बच्चा पेट के अंदर कैसे बड़ा हो रहा है, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि बच्चा कैसे बनता है। दोस्तों आप ये तो जानते हैं कि महिला में हर महीने एक औसत चक्र आता है जिसमें 6 से 14वें दिन के बीच में ओवुलेशन होता है। यह वह टाइम होता है जब स्पर्म के ओवम के संपर्क में आने से भ्रूण बनता है। दोस्तों इस ओवुलेशन के 1 से 2 दिन पहले संबंध बनाने से एक और स्पर्म में फर्टिलाइजेशन के चांस ज़्यादा होते हैं। इन दिनों ओवरी के द्वारा एक प्रोड्यूस करने के बाद एक फेलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं तथा वहाँ एक का स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होता है। इसके 5 से 6 दिन बाद फर्टिलाइज एक गर्भाशय में आ जाते हैं। इसे दोस्तों इम्प्लांटेशन कहते हैं। इस दौरान हल्की ब्लीडिंग होती है जो कि नॉर्मल होती है। दोस्तों अब महिलाओं को पता कैसे चलेगा कि वे प्रेग्नेंट है? इसका सोल्यूशन है दोस्तों पीरियड टेस्ट। दोस्तों महिलाओं को अगर पीरियड्स के 4वें सप्ताह यानी 28 दिन के बाद भी पीरियड्स नहीं आते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट कराना चाहिए। अगर टेस्ट पॉजिटिव आए तो शरीर में उल्टी आना, कमजोरी आना, थकान तथा चिड़चिड़ापन के कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है उसके आसपास म्योटिक सेक का विकास होने लगता है जो उसके लिए तकिया काम करते हैं तथा प्लेसेंटा बनने लगती है जो बेबी को आवश्यक पोषक तत्व पहुँचाने का कार्य करती है। पहले महीने में बेबी का चेहरा आकार लेने लगता है। इस दौरान आँख, मुंह, जबड़ा आदि बनने लगते हैं तथा ब्लड सेल बनना भी स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट मंथ में भ्रूण चावल के दाने से भी छोटे आकार का होता है। दूसरे मंथ में भ्रूण का चेहरा और क्लियर हो जाता है तथा दोनों कान, हड्डियाँ, आहार नाल आदि बनने लगते हैं। हाथ पैर में अब उबार आने लगता है तथा नर्वस सिस्टम भी इस महीने विकसित होने लग जाता है। दोस्तों भ्रूण में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है किंतु दोस्तों इस मूवमेंट को माँ एहसास नहीं कर सकती। दूसरे महीने के अंत तक भ्रूण 2.54 सेंटीमीटर लंबा तथा 9.45 ग्राम का हो जाता है। तीसरे मंथ के अंत तक बेबी पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है तथा माँ को उसका एहसास होने लगता है। दोस्तों अंगुलियाँ तथा उसके नाखून भी बन जाते हैं तथा इसके अलावा सेक्स ऑर्गन बनना भी स्टार्ट हो जाते हैं, किंतु आप अल्ट्रासाउंड में ये नहीं देख सकते कि लड़का है या लड़की। बेबी का लीवर काम करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों तीसरे मंथ के अंत तक बेबी पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है तो इसके बाद गर्भपात नहीं करवा सकते। 9वें से 13वें सप्ताह को पीरियड्स ऑफ ऑर्गेनोसिस कहते हैं। 4वें महीने में आंखें, भौहें, जननांग तथा हार्ट पूर्ण रूप से बन जाते हैं तथा कार्टिलेज हड्डियों में बदलने लगता है। इस दौरान बेबी अंगूठा चूसने जैसा मूवमेंट करता है तथा माँ पहली बार अपने बच्चे की धड़कन सुन सकती है। डिलीवरी की तारीख मिल जाती है तथा बेबी का वजन 100 ग्राम तथा लंबाई 11.5 सेंटीमीटर हो जाती है। माँ को बेबी के मूवमेंट का एहसास होने लगता है। 5वें महीने में सर के तथा शरीर पर मुलायम बाल बनने लग जाते हैं जो कि 2 से 3 सप्ताह बाद चढ़ जाते हैं। अब बच्चे का वजन 300 ग्राम तथा लंबाई 16.5 सेंटीमीटर की हो जाती है। दोस्तों अब अगर हम 6 मंथ की बात करें तो इस महीने में बेबी का रंग रेड हो जाता है। इस मंथ में बेबी की संवेदनशीलता बढ़ जाती है, इसलिए माँ को इस मंथ में अच्छी बुक रीड करने के लिए तथा अच्छे वीडियो को देखने की सलाह दी जाती है ताकि बेबी के अंदर अच्छे संस्कार आ सके। 7वें महीने में बेबी की मूवमेंट बढ़ जाती है तथा प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाए तो भी वह जीवित रह सकता है। दोस्तों 8वें महीने में बेबी के ब्रेन का विकास तेजी से होने लगता है। वह सुनने के साथ साथ देख भी सकता है। फेफड़ों के अलावा अन्य सभी संवेदनशील अंग विकसित हो चुके होते हैं। बेबी किक मारता है तो इसे हम बाहर देख सकते हैं। इस मंथ में बेबी 1700 ग्राम का तथा लंबाई 42 सेंटीमीटर हो जाती है। 9वें मंथ में फेफड़े भी पूरी तरह बन जाते हैं तथा
यूटेरस में जगह कम हो जाती है, जिससे बेबी की हलचल कम होने लगती है। इस टाइम दोस्तों बेबी 2600 ग्राम का तथा लंबाई 47.5 सेंटीमीटर तक हो जाती है। दोस्तों जब डिलीवरी का टाइम आता है तो यह माँ के लिए बहुत ही दुखदायक तथा दर्दनाक होता है। दोस्तों एक माँ के लिए जब बेबी को जन्म देती है तब एक साथ कई हड्डियाँ टूटने जैसा एहसास एक माँ को सहन करना पड़ता है दोस्तों। किंतु बेबी के जन्म होने के बाद उसकी रोने की आवाज़ सुनकर माँ के सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट में पालती है, जो कि कोई भी नहीं कर सकता है। दोस्तों ये बहुत ही इमोशनल टाइम होता है जब एक बेबी जन्म लेता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।